डी वी आर बैक अगेन एंड दिस टाइम आई है वेरी नाइस स्टार विद मी नाइस मैं कहूंगी इसलिए कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ वो इतने हंसमुख हैं और इतने खुश मिजाज हैं कि आप नेचुरली उनके तरफ ड्रॉ हो जाते हैं uh, उनको मैं बहुत अरसे से नहीं जानती uh, कुछ ही साल हुए हैं और आई uh, थिंक मैं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ज़्यादा बातचीत उनसे लक्सटाइल अवार्ड्स पर हुई थी जब वो जीते भी थे दो ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में कोविड का ज़माना था हमने पूरा एक वो वर्चुअल शो किया था और uh, वहाँ पे मैं उनको मिली थी और वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सो यू नो है वेरी वेल एंड आप uh, आज उनसे मिलेंगे हम उनसे बातें करेंगे कपशप करेंगे और आई वॉन्ट टू थैंक अशरफ थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो अब भी आप मुझे बता रहे थे आप दो तीन दिन से मुझे बता रहे हैं कि इतने बिजी हैं आप और क्यों बिजी हैं आप क्या कर रहे हैं आप नहीं दो तीन दिन से नहीं पिछले एक डेढ़ माह से okay. uh, मेरा एक जो लास्ट प्ले चला था रक्से बिस्मिल उसके बाद मैंने सात आठ महीने काम नहीं किया लेकिन मेरी फिल्म जो कि आपको पता है कोविड की वजह से रुक गई थी तो दो, दो साल ढाई साल से मुझ उस पर काम कर रहे थे तो मैंने आठ नौ महीने बाद एक ड्रामा शुरू किया जो मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएगा जल्दी वो ख़त्म नहीं हुआ बीच में एक रमज़ान प्ले आ गया जो कि बहुत ज़बरदस्त रमज़ान प्ले आपने दे जरूर देख रहे होंगे बल्कि मज़ा आ रहा होगा आपको उसी वक्त अनाउंस हो गई मेरी फिल्म कि ईद पे आ रही है अब मेरे दो ड्राम जो ड्रामे हैं मेरे उनकी शूटिंग चल रही है और साथ फिल्म की प्रमोशन है तो प्रमोशन भी लाहौर कराची में है और शूटिंग भी लाहौर कराची में घर तो तो, वाले नहीं कंप्लेन कर रहे नहीं बड़ी अंडरस्टैंडिंग तो, है मेरी अच्छा? भी। हाँ, वो सब अच्छा, खुश होती है वो हो, आप मिली में आप तो वो जब मेरी कामयाबी से बहुत खुश होती है और अब मेरा जो बेटा है वो बोलने लगा ओ पहला वर्ड क्या बोला उसने माँ को की कहता है वो माँ को की अच्छा। क्योंकि किरण का जो भाई है हाँ। आ, आदिल हाँ। वो बचपन से की कहता था तो हाँ। वो सुन के माँ को की कहता है मुझे बाबा अच्छा आ, लेकिन उसको नाम उसका अपना नाम बोलना मैंने सिखाया अच्छा जब जब जिस दिन किरण बहुत बड़ी केयरिंग माँ है अच्छा मतलब मा, मेरी मेरी अपनी भी बहनें हैं वो भी बहुत ख्याल रखती है अपने बच्चों का लेकिन किरण का जरा एक कदम थोड़ा सा आगे है तो जब मैंने उसको सिखाया कि तुम्हारा नाम रुहाम है

तो मैं जब घर आया तो फिर जब बीच में फ़ोन आता देखिए कहाँ फ़ोन पे भी चल रहा है आ, चीज़ें सब हो रही हैं तो वो जो फ़ोन आता है तो उसकी आंखों में एक शिकवा आता है मैं समझता हूँ इस बात का लेकिन हम किरण Uh, ये प्रमोशंस खत्म तो होते तो ही हम अमेरिका जाएंगे दोनों ओए 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 सो वेरी गुड सो फिल्म आ जाए ठीक है लग जाए आ, तो आ, उसके आ, तो बिकॉज तो, अच्छा टाइम है समर का टाइम है इज नाइस टू गो लेकिन अभी उसके बाद भी मेरे एक ड्रामे की शूट रहती होगी वो 10 दिन करवा के हम जाएंगे अच्छा ठीक तो इट्स चलो अ सो ये सब ब्रेक कब मिलेगी ये ब्रेक मुझे मिलेगी अभी रमजान प्ले की शूट होगी बाईस रमजान तक जिसके बीच में फिल्म की प्रमोशन चलेंगी फिर आखिरी दस दिन तो मैं 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 आ आ आ रहा 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 आपके हर शहर आपसे कहने आ रहा हूं कि अगर आप आ, अगर आप लोगों ने ये काम इन, इन्होंने देख के मुझे, इन्होंने मुझे देखा है तो अगर मुझे ये लाना आपने जिम्मेदारी पूरी की है तो यहाँ बचाना भी आपकी जिम्मेदारी आप खाब देखते हैं ना हाँ। सब देखते हैं हाँ। अच्छा मैंने जो खाब देखे थे उसमें भी नहीं मैंने सोचा था कि मैं फिल्म में हीरो आऊंगा रियली हाँ इतना तो मैंने कभी मैंने जो... देखा है प्रोमो अच्छा है हाँ, हाँ, नहीं तो फिल्म तो अच्छी है उसकी प्यार मुझे <laughs> दी थी अदनान ना, ने पहले ना लाके तु, तो कोई फॉर सम रीजन आई डोंट नो बात उसके बाद उसके दोस्ती होती है ना तो मैं उसके लिए तो एनी थिंग मेरा ख्याल है की हमारी फिल्म के प्रीमियर के लिए जो सबसे पहली मैंने वर्बल दावत दी है वो हुआ। है। <laughs> है। <laughs> नहीं, 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 आप है याद है आपको बिल्कुल तीन फिल्म आ रही है चार पांच, पांच कमली भी आज अनाउंस की है अच्छा वो पे आ रही है पता नहीं सरमद घूसे ने हमें I don't think so सो अच्छी घबराना नहीं आ रही है एक और दो दो आ रही हैं तीन थी आ, वो, वो पर्दे में रहने दो आ, आ रही है चक्कर आ, आ रही है फिर एक सैयद दूर साहब की फिल्म आ रही है और सो फिल्म गुड ना गुड वेरी गुड आई वॉज मिसिंग इट मुझे मजा आता है हाँ हमें भी पता होता है जब प्रीमियर्स होते हैं हमारे दोस्त को दोस्तों को हमारे कोलीग्स को हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं वहीं फीडबैक मिलता, है, मिलता है म्यूजिक मिलता है बहुत कुछ मिलता है लोगों को तफरी मिलती है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आगे जाने की बहुत जरूरत है ड्रामे तो खैर बहुत ही ऊंचाई पे हैं बट वी नीड दिस आल्सो है या, ना या, 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 लेकिन या, आप तो सब कुछ करते हैं मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा वॉक भी कर ली फैशन वीक में फिर एक वीडियो म्यूजिक वीडियो भी किया हुआ वाह एक्सलेंट ना दिस इज़ गुड आई थिंक आपको शौक है इन चीज़ों का अब सबसे पहले जब भी कोई गेस्ट आता है तो मैं उसे ये पूछती हूँ सबसे पहले कि सबसे पहली मेमरी क्या है आई मीन आप पेशावर में पैदा हुए थे राइट ओके पंजाबी हैं मैं हाँ पंजाब में पैदा हुआ हूँ तो पाकिस्तानी हाँ आ, लेकिन मुझे मेरा इसमें थोड़ा ये है बिल्कुल हाँ। हम जिस जिस खत्ते में पैदा होते हैं लेकिन आ, आपके लहजे में भी है पंजाबी इतनी अच्छी है मेरी बहुत अच्छी है पंजाबी का सबसे ज्यादा तो मुझे पंजाबी के मुहावरे किस तरह का जिथे दी खोती उथे आण खलोती हां हां जिना खादियां गाजरा टेडो ना दे, पीड। <laughs> <और> दे पीड़ ओए वो ये बहुत पंजाबी आ, के मुहावरे तो बहुत ही मजे के हैं ना पंजाबी देखिए हाँ। मेरा ख्याल है मोहब्बत का इजहार या किसी की तारीफ जो पंजाबी में हो सकती है वो हाँ। मुझे, मुझे ऐसा लगता है हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी yeah. वो, वो कहते हैं कुछ कुछ लोग कहते थे आई थिंक इस साल तो नहीं मगर पिछले यू नो you know, के जो चल रहे थे कि ब, कि ना होता तो coke studio ही ना होता तो ही यार <laughs> <देखे>, ये कितनी <laughs> कितनी बात 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 की yeah, बहुत काम, कितना काम वो फोक, फोक, बहुत फोक से खूबसूरत क्या पुरानी yeah, आप सोचे ये उन, उन सोचों का लिखा हुआ काम है जिनके हाथ में फोन नहीं होते थे जिनकी जिंदगी में पैसे की या फेम की या किसी भी चीज की दौड़ नहीं होती थी वक्त होता था, था, था लोगों के पास कि कोई बैठा हुआ है तो कि कोई बैठा हुआ अच्छा तो फिर वापस आते हैं पहली मेमोरी क्या है जिंदगी की हाँ बचपन की बचपन की होती है सबसे पहली मेमोरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम तब दो साल के थे ओके अः स्काई ब्लू कलर की शलवार कमीज मेरी अच्छा और डी एच ए लाहौर मस्जिद चौक के सामने घर ओके। मैं अम्मी की गोद से उठा हूँ और मैंने आसमान देखा आसमान नीला था हाँ। वो वो मेरी ऐसी याद है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ आज तक दोबारा कभी मैं वो महसूस करूँ वो, वो महसूस करूँ क्यों मुझे वो याद है हाँ। ब्यूटीफुल बिकॉज़ बचपन की वो इंसान बच्चों बचपन की बच्चों की सोच ही अलग होती है तो मेरी आ, पहली याद माँ की गोद से शुरू वेरी नाइस ओके सो कितने बहन भाई हैं कितने लोग हैं फैमिली में हम मेरी uh, चार बहनें हैं वाओ बिग फैमिली वाओ बिग फैमिली तीन मेरे भाई हैं वाओ सेवन हाँ हम सेवन है तो से हाँ. पंजाबी में ही होता है मेरे मेरे फादर के ग्यारह बहन भाई थे हम लोग चार थे मेरे 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 ताया के तेरह बच्चे वाह और और कज़न के नाम भी नहीं याद नहीं, नहीं वो तो हमें हम तो एक हमारी तो एक पूरी वो हमारे ताया अकरम है मेरे हाँ। तो माशाल्लाह वो बच्चे हर हर एज का हमारी एज का भी बड़े भाई की एज का भी सबका एज का और एक हमारे ख़ानदान की एक बड़ी मज़ेदार बात है कि मैं सिक्स फीट हूँ अच्छा और मैं तकरीबन सबसे छोटा हूँ पंजाबियों में बहुत हाइट होती है माय ब्रदर <laughs> तो इस तरह इस oh, तरह oh, का फैबुलस जबरदस्त हाँ सो बचपन में खेले होंगे पिशावर में ही बड़े हुए थे पिशावर में मैं पैदा हुआ हाँ फिर हम लोग लाहौर आ गए ओके लाहौर हम मैं बहुत घूमा बता सकता हूँ आपको मैं हाँ हाँ बताएं हाँ। मैं भी बहुत घूमी <laughs> नहीं बताऊँगी <नहीं। laughs> तो मैं हम लाहौर आए लाहौर हम दो साल रहे या कुछ ऐसे रहे फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद चले इस्लामाबाद वो जगह है जहाँ आप एक होता है ना जब आप शीशे के सामने एक लड़का खड़ा होकर देखता है कि मेरी मूँछें कब आएंगी हाँ, हाँ. जब वो बड़ा होना चाहता है yes. तो वो जो मैं बड़ा हुआ हूँ मेरा सारा मेरे दोस्त मेरी यादें मेरा जब जब इस्लामाबाद भी इतना भरा हुआ नहीं था इस्लामाबाद एक सिर्फ ग्रीनरी होती थी हाँ। हम जब स्कूल जाते थे तो एक गाड़ी यहाँ चल रही है तो एक गाड़ी वो दूर, दूर कहीं आ, दिखाई दे रही है उसके बाद फिर मैं आ, फिर लाहौर आए हम

शरारत ऐसी होगी हो, हो जाए और पता भी ना चले। अच्छा <laughs> तो, आ, तंग, करना, <laughs> तंग तंग करना, करना को बात किसी की किसी भी डाल देना हाँ, कुछ कर देना ओ, तो वो एंजॉय तो अच्छा, बहुत करते थे फिर हाँ. मतलब सोचेंगे जब मैं नौ साल का था हाँ. तो मैंने नौ साल की उम्र में चौदह अगस्त मनाने के लिए नौ साल के बच्चे ने अपने बाकी दोस्त मिला के हाँ। एक ट्रक बुक किया और पूरे मोहल्ले के बच्चे उसमें के और झंडे <laughs> पूरे, <What> पूरे, <laughs> हाँ। हाँ। स्मार्ट था मैं क्रेडिट कार्ड लिया था जमा तो करते थे बचपन से ये एक आप आज भी देखे मेरे जो दोस्त हैं वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े होते हैं अच्छा

उन पेरेंट्स को ये बात कहना चाहता हूं। अगर आपको कोई मजबूरी हद से ज्यादा नहीं है ना हाँ। तो यार मैं बोर्डर था हाँ। बच्चा बहुत रोता है मैं तो हमेशा कहती हूँ तो पुराने जमाने में जो अंग्रेजों का होता था ना तिलका कि बोर्डिंग स्कूल में डाल दो बच्चों को माँ बाप से अलग कर दो आए मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बोर्डिंग्स में गए हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को रिजेंट करते हैं मैंने ये भी देखा है आ, फरिया जी मेरे हाँ। मैं तो आ, मैं, आ, अब मैं जितना अपनी फैमिली के करीब हूँ कोई शायद ही होगा लेकिन आपको पता है मैं ये आज सच कहना चाहता हूँ हाँ। ये बात कि आ, मैं दूर हो गया था हाँ। बच्चा दूर हो जाता है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब जो मेरी पहली रात थी मेरी क्या हर आने वाले बच्चे की अगर वो छोटी उम्र का है तो उसकी पूरी रात अगर आप उसके आंसू लें तो आप अब तक किया तो भरा होता है उसका और एंजॉय भी बहुत किया मतलब हुँ। हुँ। फन दोस्तियां बनी हैं। जिस दिन गए उस दिन रोए लेकिन जब आ रहे थे उस दिन ज्यादा रोए कि इनको छोड़ के जा रहे बॉन्डिंग है ना रिलेशनशिप की बात ऐसी है ऐसी दोस्त हाँ। बन गए अब वो सारे दोस्त हाँ। मैं एक्टर बन गया हूं एक एमएनए हाँ। है <laughs> एक, <laughs> एक 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 कमिश्नर है एक एक जो है वो कुछ नहीं कर रहा एक जो है उसने तो शादी <laughs> कर ली है उसने वो तब भी शादी कर ली थी तब तो उसके बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो हाँ। वो काफी सलाम दुआ तो बट वो रहती है ना वो एक बॉन्डिंग होती है क्योंकि आप लोगों ने साथ इतना साल गुजारे होते हैं सोना उठना

ना और इज अ पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज वो इसमें सोच चाहिए होती आ, है तो उससे क्या हुआ कि जब मैं रहा ना तो एक एक वक्त ऐसा आया कि आप जब आप एक बैठे हुए शाम को आपको ट्यूशन पढ़ाई जा रही है और एक दूर एक फ़ोन लगा हुआ है और दो बच्चा बैठा हुआ है और हफ्ते में एक दिन फ़ोन आना है तो जो वो घंटी बजती थी जो हमारा दिल धड़कता था कि माँ की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है और फोन नहीं भी आता था कभी कभी घर वालों का किसी का तो मैं थोड़ा सा ना आदत हो गई मुझे घर वालों के बगैर दो तीन साल की ना मुझे लगा एक हो गया तो गया। फिर टूट गई मेरी टांग oh, no. ये कौन सी उम्र थी ये जो आखिरी बसंत हुई है लाहौर में हा, वो मेरी टांग की वजह से बंद हुई क्योंकि जो मेरी टांग जब टूटी तो फिर सबने ना मुझे नजर आया कि यार मैंने तो सात आठ साल हॉस्टल में गुजारे हैं ये तो घर वाले जिंदगी तो यही है और अल्लाह ने मुझे रोका ना एक स्पीड में मैं चलना शुरू हो गया था दोस्त बन गए सब दोस्त वही जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सब वही दोस्त यार तू आ जा यार तू इधर आ जा इस यूनिवर्सिटी हाँ। में आ जा यार तू ये कर ले तो वो जब हम इकट्ठे हो गए तो जिंदगी एक मुझे हाँ। माफ कर दे हाँ। no सॉरी हाँ। ऐसी हो गई कि अल्लाह ने कहा कि इसको जरा घर बिठाओ जो मेरी टांग टूटी मेरी टांग में रॉड डले और बड़ा oh अभी तक ये उस टांग के साथ मैं अभी तक खेल रहा हूँ टूटी तो कैसे पहले ये तो बताए ना क्या कर रहे थे हम पतंग उड़ा रहे थे अच्छा पीछे एक दोस्त था हाँ। रात की बसंती और पेचा मैं बहुत अच्छा करता था मतलब <laughs> मेर, मे, मेरी मेरी पतंग रहती थी आसमान में अच्छा। काफी देर तो पीछे दोस्त को पकड़ाई भी थी वो डोर मुझे यार आप जब डोर छोड़ के जाते हो तो आप ईंट रख देते हो क्या yes, आप... yes, बता देते के हो ना। पीछे नहीं, एक नहीं, बड़ा <laughs> गेम चल रहा था साथ वाली छत के साथ मुकाबला वो oh तो वो पीछे से ईंट रख के चला गया और उसने मुझे बताया नहीं, oh, तो पे मैं आप... नहीं मैं पीछे छत से छत से गिरे हाँ जी हाँ दूसरी मंजिल से मेरी टांग टांग जो थी वो चला गया बहुत ही ज्यादा वो जाएगा लेकिन बहुत बुरी हालत में थी काफी जगह से टूटी थी मैं दोनों थी। तोड़ चुकी हूँ हाँ, अंगूठा घुटने के साथ लगा oh uh. लेकिन नहीं वो मुझे मैं उस 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 वक्त को मैं दर्द फिर घर आ गए पेरेंट्स लेके आए अगर तो, घर लेके आए हाँ। हाँ। तो फिर सब जो दूर दूर थे अगर हाँ। बहन स्पेन में है तो वो भी आ गई अरे दैट मींस क्लोज फैमिली है ये नहीं कि प्यार तो है ना प्यार, सब, प्यार ये मेरी प्यार मेरे साथ आप मेरा नाम तो लेके देखिए उनके सामने अब तो बहुत ही प्राउड फील करते होंगे ना सारे आई मीन बिकॉज जब आप एक फेमस हो जाते हो सक्सेसफुल हो जाते हो तो वैसे प्राइड आ जाती है सबके अंदर मगर आप जो कह रहे हैं वो सारी बातों से मुझे यही महसूस हो रहा है कि देर वॉज अ लॉट ऑफ लव शरारती थे तो माँ अपने का बिगड़ जाएगा कुछ नहीं कख नहीं कर पाएगा उसको भेज दो बोर्डिंग स्कूल सिक्का था ना मैं छोटे थे अच्छा, कहाँ आता था, था आपका नंबर कहाँ आता था मेरा हाँ मैं आप घर तो अलग बात है स्कूल कॉलेज और इन चीजों में भी मतलब मेरा पता क्या था फर्स्ट टर्म फेल सेकंड टर्म एक सब्जेक्ट में फेल थर्ड टर्म सेकंड पोजीशन वाह तो उनकी पढ़ाई का भी करने मैं, मैं जब बैठता था फिर हाँ, मैं कहता था आ मेरे टीचर्स और मेरे टीचर्स अल्लाह मेरे टीचर्स को खुश रखे हमारे एक सर थे उन्होंने जब हमारा आ, मैट्रिक का एग्जामिनेशन हॉल था हां तो वो मेरे साथ चल रहे हैं मुझे आखिरी वक्त तक क्यों प्यार, हाँ, क्योंकि प्यार क्योंकि मैं ड्रामा मैजिक करता था स्कूल में हां

मैं एट्थ क्लास का स्टूडेंट था और मुकाबला मेरा होता था कि आज यूनिवर्सिटी में अच्छा, और 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 वही टॉपिक मिल रहा है मैं जीता भी hmm. भी भी कुछ मुकाबले हारा लेकिन uh, बोलते तो 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 अच्छा है। और फिर सोच तो आई आपकी बातें सुन नहीं मुझे समझ आ रही है बिकॉज़ मुझे <laughs> बिल्कुल पढ़ाई का शौक नहीं था हर चीज करा 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 लो आ, करा लो आ, डिबेट आ, करा लो मिलाद भी भी लेकिन क्लास आ, में नहीं बिठाओ मुझे सुनने का बात आती है ना तो फिर वो कर लेताल लेता। है वो सेल्फ क्रिटिकल भी होता है और मेरा ख्याल ही अपने बारे में इतना मजा आता है खुद की गलती को ठीक करने का इतना मजा आता है पर वो गलती ठीक तो तब होगी ना जब आप अपनी गलती मानेंगे बट परफेक्शनिस्ट होता है ना इंसान वो अपने आप को ही कोसता रहता है बिकॉज उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए वर्गों का प्रॉब्लम है बड़ा सख्त प्रॉब्लम भी है यह। और भी यही है सोलूशन भी सोल्यूशन है, <laughs> है उसको बॉडर करती रहती है ना वो फिर एंगजाइटी रहती है थोड़ा नहीं क्या, नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या अच्छा, अभी तक मैं आपको एक बात बताऊँ

कोई भेजना बुरी बात नहीं है बड़े अच्छे स्कूल हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मजबूरी नहीं है तो आपका बच्चा अगर ऊंचा बोलता है तो आप इस बात पे उसे नहीं भेज दीजिएगा प्लीज़ मेरी एक दोस्त है डिज़ाइनर उन्होंने मुझे कहा था कि आ, उनकी बेटी की मंगनी हुई थी बाहर के मुल्क में तो मैं उनसे फिर उनकी मंगनी टूट मंगनी तोड़ दी उसने तो मैंने उससे पूछा क्यों तोड़ी जैसे मैं अपने बच्चे को पंद्रह हज़ार मील दूर नहीं भेजना चाहती अपने बच्चों को अपने आप से दूर ही नहीं करना चाहती फिर वो इज़ अरेंज मैरिज ही सिर्फ मैं उनको अपने पास रखना चाहती हूँ दिस इज़ अ फैमिली और हम लोग इस तरह रहना चाहते हैं हम दूर नहीं रहना चाहते ऑफ कोर्स मजबूरी होती है लोगों को रोज़ी रोटी कमानी होती है रोज लोग करते हैं गांव से आते हैं जॉब्स करते हैं चले आठ महीने काम करते हैं फिर जाते हैं उनको छोड़ना पड़ता है बट इट आई अंडरस्टैंड बच्चे की बात करो बच्चों, बच्चों के लिए बहुत फिफ्थ का बच्चा मैं हाँ मैट्रिक के बाद कॉलेज भेज नहीं वो फिर बच्चा एक थोड़ा सा नहीं मैं भी जब कॉलेज में 6 महीने तक तो रोई थी ओए मैं भी बहुत मैं बहुत रोई थी मुझे तो ऐसे तो समझ ही नहीं आती थी मैं तो कभी रो नहीं हर बात पर रोना आता है बंदा हाँ। क्योंकि <laughs> आप इतने अकेले हो जाते हैं यार <laughs> yeah. yeah. दोस्त बनने में तो दो साल लगते हैं टाइम लगता है टाइम लगता है और फिर और फिर आप कितने स्मार्ट हैं आपको आपको

फर्स्ट uh, सेकंड इस क्लास के बच्चे भी थे उफ। और इतने छोटे छोटे सुबह सुबह के आ रहे होते थे आ, तो वो मजबूरी थी कुछ की मजबूरी थी चलो ठीक है वो तो है है कि सेपरेशन हो गई है। या, या या, 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 या uh, माँ बाप नहीं है तो नाना नानी ने या दादा दादी ने बोर्डिंग में भेज दिया राइट। लेकिन बच्चा अगर ग्लास तोड़ देता तो उसको तो मत भेजे यार फिर आपने गिला किया अपने माँ बाप से नहीं मैंने ऐसे ठीक नहीं होना था तो आपके लिए बेहतर है यू आर फाइन यू आर फाइन हां मैंने मैंने मेरी बट यू आप नहीं करेंगे अपने बच्चे के साथ ये अल्लाह ना करेंगे अभी मैं करे बड़ा क्या बोल क्या बोलना हाँ। लेकिन अल्लाह ना, ना, ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड एंड फिर उसके बाद ये टीन तो वहां से आप आपने आपको अच्छा लगता है माउंटेन्स पसंद है और हाँ अब साहिल पे आ गए हैं आप कराची में रहते हैं ना कराची में रहता हूं, तो फिर तेरह साल फ्रॉम द साहिल टू द माउंटेंस वहाँ सो वट यू लाइक बेटर माउंटेंस और बीच देखिए आपका जो बचपन होता है वो तो खूबसूरत होता ही है आ, मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ मुझे यकीनन उधर की खूबसूरती से मेरा लेना देना होता है लेकिन वहाँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है मेरी याद कैसी बनी है या मेरे साथ कौन है जो इंसान आपको पसंद होता है ना आप कहीं भी भी हो वो जगह मिलियन डॉलर so वो जगह, <laughs> जगह खूबसूरत हो जाती है बहुत ज़्यादा और तो ये जब आप, आप थे बोर्डिंग स्कूल में तो आपने तो एक्टिंग भी की है ना।

थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा मैं कहा कहा ए शिवानी वो वो शाहरुख़ खान की फिल्म आई थी अच्छा अंजाम तूने को मारा तो, तो वो कर दिया फिर कि ऐसे बोल के बताओ ऐसे कोई बंदे मुझे नॉर्मली कर दिया मेरे लिए कॉन्फिडेंस भी था ना कॉन्फिडेंस होता है नाटी बच्चे में बहुत वो बस मैंने वो कर दिया उन्होंने मुझे पाँच सौ रुपए दिए मैं बड़ा खुश मैंने वहाँ पे मुझे याद है में मैंने फ्राइज खाए पहले जाके उसके और फिर पता नहीं साढ़े तीन सौ रुपये बचे तो मैंने अम्मी को दे दिए तो म, nice. मेरी अम्मी रो पड़ी ना oh, पहली कमाई ये क्या है ये क्या कर रहे है स्वीट पहली कमाई ओल्ड स्कूल भी है आप इसका मतलब है है ना मैं हाँ बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल है अम्मी आई थिंक इट्स वेरी नाइस थिंग अपने अम्मी को जाके दे रो पड़ी आ, वो भी तो याद है ना आ, ये भी तो ब्यूटीफुल मेमोरी तो, तो, तो आज भी wow, तो मेरी wow. माँ की बड़ी बड़ा बड़ी दो wow. तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुआ है टैलेंट ah. वैलेंट तो बहुत होता है लोगों में आई एग्री आई थिंक मैं इसमें बहुत सख्त बिलीव करती हूँ बिकॉज आपके साथ दुआएं हों आपके साथ गुड वाइब्स हों लोगों के अच्छे स्माइल्स हों वही सारी चीजें आपको आगे लेके लगे नेगेटिव लोगों से या yeah, एग्जैक्टली exactly. नेगेटिव इंसान आपको जितना मर्जी पसंद है हां वो हाथ से क्यों ना बनाया हो इतना खूबसूरत क्यों ना हो नेगेटिव है भाग जाए उससे हां बिल्कुल या सो so, आप इतनी बेचैन थे हां बचपन में भी सारे मैं सुन रही हूं बातें तो ये जो ड्रीम होती है ना जब आप कह रहे हैं आई एम लिविंग माय ड्रीम लेकिन ये ड्रीम थी यही करना 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 था 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 नहीं नहीं नहीं।, क्या नहीं।, करना था? था क्या करना? नहीं 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 मुझे, नहीं फिर क्या क्या कुछ पता मुझे मुझे अबू ने क्या किया मेरे हाँ। साथ एक बहुत अच्छा काम किया मैंने कहा अबू इस्लामाबाद में थे हम बड़े हो गए हैं एफ एक्स होती थी मेरे पास दोस्त इकट्ठे होते थे हनी उसका नाम है आज भी दोस्त है मेरा बोला वो वाहि से मेरी उम्र का दोस्त है बाकी सब बड़े तो हम एफ एक्स में घूमते थे हम ये वो दोस्तियाँ हो गई अब जिना सुपर सुपर ये वो बड़े हो रहे हैं बॉयज़ ये वो दो राइट right. तो मैंने एक दिन उन्हें कहा जाकर मैं कहा वो आप कोई मेरी पॉकेट में नहीं रखेगा आप क्या ये कभी पाँच सौ दे देते हैं कभी दो हज़ार दे देते हैं आ, <laughs> कभी पाँच मुझे आ, मेरी एक एक होना चाहिए कहते हैं मैं तुम्हें तो पॉकेट मनी नहीं दूंगा ओके फिर तनख्वाह दूंगा मेरे दफ्तर आके चार घंटे काम करो वेरी गुड मेगा ओके

अच्छा फिर मैं सुबह से लेकर रात तक वहीं होता था आखिरी लेटर भी मैं टाइप कर रहा हूँ और आखिरी लेटर जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो जो उनकी जो मैनेजर आया गलती उससे हुई तो फाइल मुझे पड़ रही है <laughs> तो <मैं, laughs> तो आप कर लेते थे, थे। कर, आप सीख रहा था ना अब साथ साथ सिखा रहे थे लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा अ, मेरा दिमाग भी उस तरफ हुआ तो मैंने मैंने अबू से कहा कि अब आप इतने सारे लोग रखे हुए आपने ये क्या करते हैं मैं ये जो ये हैं ये तो सही करते हैं हाँ। ये सही करते हैं ये जो ये लोग हैं और इतने, इतने पैसे दे रहे हैं। हाँ। तो इनकी हम जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो लोग हाँ। अभी नए नए जिन्होंने पढ़ा है हाँ। उनको अभी होता है ना कि मिसयूज़ भी होते हैं ना उनसे पैसे दिए बगैर काम कराए जा रहे हैं इंटर्नशिप के नाम हाँ, में जी ना उनको थोड़े पैसे दे देंगे लेकिन वो और ज्यादा शौक से काम करेंगे तो फिर इस तरह कुछ मैं साथ ही रहा फिर हमारा बिजनेस बहुत ग्रो किया अच्छा। एक दिन ऐसा आया कि और वो जो गया तो मुझे आज भी याद है इतने हार्ड टाइम्स के मैंने अबू का कमरा अंदर होता था मेरा बाहर था तो मेरा आखिरी दिनों में ये काम रह गया था कि मैंने अंदर टेंशन नहीं जाने देनी बस स्वीट नहीं कटी हुई wow. के के है तो जब उसको बंद किया हाँ। तो आखिरी दिन ना जब वो, मैं वापस आया दिन तो तारा लगा हुआ वा था वो मैं बिल्डिंग के वो जो उनका वो जीएम थे उनके पास गया तो मैंने उनके जाके सिर्फ इतना कहा कि यार आप कुछ मत दें। आप uh, मेरी फैमिली की तस्वीरें पड़ी हैं अंदर मुझे थे। नहीं वो इतना बुरा नहीं नहीं उसको होगा ना मैं उसको बुरा कैसे कहूं। उसको रेंट नहीं दिया प्रोजेक्ट बंद हो गया था और हमारी ब्रांचेस थी हम एक महीने डिले से पर हाँ। अल्लाह तो okay. हाँ, हाँ। मैं एक बहुत छोटी सी जॉब ढूंढ रहा था रोड पे चल रहा था मुझे याद हाँ। है। इतना पैसा और इतना सब कुछ देखने के बाद गहर आसाइश देखने के बाद तो मैं रोड पे पैदल जा रहा था कहीं जॉब देखने के लिए तो मुझे दिलावर मलिक साहब का फोन आया जिनके साथ मैंने बचपन में काम किया था oh, wow. तब तक मैं भूल चुका हुआ था कि एक्टिंग कोई चीज होती है एक्टिंग hmm. मैंने करनी है hmm. या क्या पाकिस्तान में ड्रामे देखे भी जाते हैं क्योंकि hmm. मैं नहीं देखता था ना right. मेरे जानने वाले नहीं देखते थे तो बस वो फोन आया और उस फोन से लेके आज तक मुझे याद है मेरे भाई ने मुझसे एक बात की थी मैं ट्रेन पे बैठा हुआ था जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे ऐसे मिस किया उसने कहा ये ट्रेन नहीं भाग रही ये तरी किस्मत भाग रही है तो बस आज तक भाग रही है और मेरे अल्लाह ने मेरे पे इतना कर्म किया और कराची मुझे क्यों पसंद है जहाँ से बात शुरू हुई थी ये बंदा परवर शहर है इस शहर ने मुझे बहुत इज्जत दी है मेरा ख्याल है वो प्यार ही क्या जिसमें इज्जत ना हो आई एग्री वो काम ही क्या जिसमें इज्जत ना हो तो मैं इस शहर की बहुत इज्जत करता हूँ okay. फिर मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ तो इसीलिए आप कहते <laughs> हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इट्स नॉट अबाउट क्या अपनी जगह इतनी जगह रहे हैं लेकिन दिस इज the, the love यू द लेकिन मैंने आज आज way. बहुत खुल के बात बता दी है ये नहीं, नहीं, किसी लेकिन नहीं बता आई थिंक ये इस बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई थिंक यही तो चीज़ें हैं जो कि देखें इमरान अगर आपको लोगों ने प्यार दिया है तो आपने भी प्यार दिया है उनको ओके okay. मैं आपको कह रही हूँ ना मैंने आपको बोला था कि पहले दिन मैं आपको मिली थी तो आप में इतनी कोई खूबसूरत एनर्जी थी कि इंसान आपकी तरफ ड्रा होता है और, आप और मेरा बहुत हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं मैं इसी तरह लोगों के साथ ड्रा होती हूँ तो मुझे ये बातें पसंद है बिकॉज मुझे कहीं किसी ने कहा था और मैंने फिर जब रिसर्च की तो मैंने वो इंटरव्यूज भी देखे आपके कि तुम्हें एंड एंड जस्ट बिकॉज आप अच्छे हैं मैंने आपको बुलाया था बिकॉज आपकी कहानी है ठीक है और कहानी जो होती है दूसरों को बतानी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरह हैं वो आपकी बातों से इंस्पायर होंगे वो जो आप अकेले चले जा रहे हैं और अल्लाह मियाँ ने आपके ऊपर एक रहमत बख्श दी और आपको किसी का फ़ोन आ गया यही होता है ना हाँ. यही होती है ज़िंदगी तो क्योंकि मे मायूस हो जाते हैं लोग आपने एक आपने एक ड्रामा भी किया है जिसमें आपने टली चैलेंज पर्सन को प्ले किया तो लोग बहुत चैलेंज आजकल आजकल तो बहुत ज्यादा हमारे नौजवान लोग जो हैं तो उसकी वजह से बहुत जरूरी है ये बातें करनी देखो सब समझते हैं जी सब कुछ इंसान को प्लेट में मिल जाता आपको है। पता है जो नहीं मिलता वो अब देखें जो अभी कहानी हम दोनों सुना रहे हैं उस कहानी में सुनने वाले को यहाँ तक लगा हुआ की फोन आ गया नहीं पहले ड्रामे में से मेरी मैंने इतनी बुरी एक्टिंग की उन्होंने निकाल दिया मेरे मेरे एटी परसेंट सीन निकाल दी वाओ और ठीक किया अगर मैं दिखता मैं हाँ। अपने काम से प्यार करता हूँ हाँ। उस तरह के सीन किसी और के आते मैं भी कहता भाई हाँ। इसको जरा तो ये शुरुआत थी, थी फिर स्ट्रगल थी एक स्ट्रगल थी स्ट्रगल तो है अभी भी है रहनी है देखिए ना ऑड है ना रास्ता लीग्स थी रही है तो होती हमेशा हीरो कैरेक्टर एक्टर तो बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ कि कैरेक्टर एक्टर हीरो यस तो वो, आजकल तो हो रहा है ऐसे वो यह, शुरू हाँ. हाँ, शुरू हुआ है शुरू, नहीं हमारे ऑपोजिट साइड ऑफ़ द बॉर्डर पहले वहां से शुरू हुआ है।, लेकिन yes. यहाँ नहीं हो रहा था ना यहाँ नहीं हो रहा था बिकॉज यहाँ पे भी एक वो आप फंसे हुए ना स्टेरियोटाइप में फंसे अभी भी हुए कि भाई अब कहते नहीं है कि हम फंसे हुए बॉडी चाहिए परफेक्ट शक्ल चाहिए ताकि जो खातन है वो भी बैठ के देखें हाय और फिर लड़की भी नेक्स्ट डोर ने पर चाहिए मैं भी जुरैन से यही बातें कर रही थी आ, मैं कह रही थी कि जब तक शालीस सरान ने मॉन्स्टर नहीं बनी चालीस पॉन्ड नहीं गेंद किए वो ऑस्कर नहीं जीत बिल्कुल सही

के रोल से मिलती है डायरेक्टर से मिलती yes. है बहुत सारी चीजों से मिलती स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट से मिलती है स्क्रिप्ट जो कौन जो मेरा स्क्रिप्ट? सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना hmm. अब मेरी एक स्ट्रगल है बस ज्यादा मेन वो है स्क्रिप्ट hmm. उसमें मुझे थोड़ा सा थोड़ा किसकी स्क्रिप्ट पसंद है आपको स्क्रिप्ट बहुत सारे अच्छे लोग हैं लिखने वाले hmm. राइट right. हाशिम नदीम खलीलुर रहमान कमर फायजा इफ्तार ये लोग ये इस तरह के बहुत से नाम है हमारे पास लेकिन वो बात ये है कि वो आ, आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं जो मुझे आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट देखें अगर मैं हीरो कर रहा हूं ना अगर मैं हीरो कर रहा हूं तो मेरी स्क्रिप्ट में हीरो का ट्रेड होना चाहिए हीरो सही असली हीरो हो आपने आ, हमने मैंने किसी और इंटरव्यू में ये बात की थी कि जब आप बचपन में किसी को कोई बहुत अच्छा काम करता है किसी की जान बचाता है या या कुछ कुछ करता है 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 यार तु, तुम तो तो हीरो right. वो हीरो हीरो राइट वो गलत कैसे हो सकता हमारा थोड़ी थोड़ी बाद बट आई थिंक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ना ह्यूमन अगर इंसान है तो वो हीरो भी मारता लेगा के एपिसोड और फिर उसके बाद वो आ, मैं उस हीरो की बात बात है हाँ, सही बात है, तो, okay. एथिकल तो, एथिकल 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 तो सिर्फ मेरे तो तो नहीं मेरे भी किरदार कहानियाँ कुछ पक्की भी कुछ ऐसी चीज जिसमें मुझे मुझे जब मैं शूट पे जा रहा हूँ तो मैं सुबह ये सोच के ना जाऊँगी यार वो सीन कैसे करना है मुझे पता हो उसके अच्छा है अब जाके एक्टिंग करनी हाँ राइट ओके वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक ऑल्सो मुझे मुझे जहाँ तक समझ आती है मे बी आई एम रॉन्ग ओके बिकॉज आई एम इतनी मैं ज़्यादा एक्टिंग uh, में नहीं हूँ लेकिन मुझे जो समझ आती है कि आज कल एटलीस्ट बाहर के मुल्क में हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है इट्स द लीड You know, लीडिंग lead हाँ, बिकॉज हाँ? वो आ, ए, वो जो होते जॉन वेन टाइप के heroes जो होते थे वो एक जमाना था आ,

तो ये मेरी एक बड़ी uh, मैं सिर्फ अपना नहीं सोच रहा था या सोच true, रहा, सब, yeah. या सोच सोच रहा uh, true. You uh, we uh, ये भी मैं डिस्कस कर रही थी ऐसा खान कब से काम कर है uh, जब तक वो नेगेटिव रोल नहीं किया खबीज किस्म का रोल नहीं किया तब तक वो वहां नहीं परफॉर्मेंस एग्जैक्टली रियल

और उसका मिलना मिलना क्योंकि अगर आप 20-25 सीन किसी एक ड्रामे में कर चुके हैं या 10-15 हाँ। ड्रामे में कर चुके हैं तो हाँ। अगर वो बोला भी है तो वो लीड है अब क्या करना अब कौन सा रोल करना है अगर कोई रोल चाहिए जो ऑलरेडी हो किसी का भी बॉलीवुड में हो हॉलीवुड में हो मुझे गूंगा करना है अब गूंगा करना है जीता है ना

अच्छा गो बैक. Yes. ठीक है अब स्कूल हो गया ब्रेक मिल गया आ, एक्टिंग के अंदर मुझे जो किसी ने मुझे बोला किसी ने मुझे बोला था आपने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं लोगों को जाके चाय देता था ओके okay? hmm. बोला आपको ना ah. मुझे किसी ने बोला ah. कि वो हम टीवी दिस इज मेरे no, पास no. ये बात no, no. है नहीं no, ऐसा no, no, no. कुछ नहीं है हाँ ऐसे नहीं, नहीं नहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी इंप्रेस हुई थी नहीं नहीं अब एक जगह रहते थे मैं इतनी हुई मैंने रियली लुक एट दिस मैन इसने यहां से यहाँ से तक पहुंचा है। That's amazing. नहीं वो पता है हाँ। देखिए वो कोई मैं बताता हूँ हाँ। क्लियर हो जाए आज क्लियर हो जाए एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी स्ट्रगल की है वो कुछ नहीं है अब मुझे अंदाजा होता है इस बात का मुझे जो मिला है उसके सामने कुछ भी नहीं है जब तक मिला नहीं था वो बहुत ज्यादा लगती थी अब मिला था अब लगता है यार ये तो लगता तो okay. हाँ, एक, एक अच्छा, हाँ, कास्ट हाँ. तो करने के लिए अच्छा, तो मैं वहाँ रहता था हाँ. तो मैं बहुत दफा उनको चाय बना के तो उनको नहीं पता मैं भी एक्टर बनने के लिए आया तो ये एक्चुअली ये बात है जो उस दिन से किसी ने करवा दी तो मैं बहुत अरसा मैंने आ, वहाँ किया। तो जो कि जो कि बहुत से लोगों ने किया होगा बताता कोई नहीं है देखिए मैं क्यों नहीं बताते इसमें क्या शर्म की बात डरते हैं मुझे यही तो, मुझे, तो, मुझे तो यही बात समझ नहीं आती मैं कहती हूँ कि इंसान की जो कोई भी बंदा मैं उस इंसान की इज्जत तो करती हूँ अगर वो झाड़ू भी लगाता है या वो पानी भी देता है तो उसमें इज्जत है ना और, और किसी को खुश करना किसी को चाय पिलाना तो बहुत ही बड़ी बहुत बात। बड़ी बात है हाँ।, हाँ तो मैं मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने उसमें ये कहा था कि बहुत सारे एक्टर्स को मैंने चाय पिलाई हुई उनको याद नहीं है कि ये कौन है हाँ, because obviously वो आते होंगे वो लड़का एक आ रहा है दे रहा है तो इसमें हाँ। कोई बुरी बात नहीं है वो वो इंटरव्यू पे मैंने वो उस इंटरव्यू से मैंने आ, वो बात कोई पूरी तरह मेरी मैंने जो कही थी वो कही, कही भी नहीं हुई वही बात वो जो होता है ना कभी कभी आप पूरी पूरी, बात नहीं लगाई जाती मुझे कर वो बात इम्प्रेस कर हाँ हाँ लेकिन वो जरूरी है हाँ। उस मैंने उस तरह की एक करोड़ चीजें की लेकिन अब मुझे वो एक करोड़ चीजें जब आप आप जैसे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो मेरे जो जो मेरे साथ हैं मुझे पता है मुझे पता है इस बात का

ये किरण मुझे मिली हाँ। और आ, मैं, एक बहुत मैं बहुत रोमांटिक तो हूँ कोई शक नहीं है हाँ। लेकिन मैंने अपना इतना मैं ज़ाया नहीं किया जिंदगी में अच्छा। मैं, आ, मैं मुझे मिली हमारी बात होने लगी हाँ। किरण ने एक बहुत अच्छी बात की मुझे बताया को मैंने हमने कोई दूसरे को, को प्रपोज नहीं किया हाँ। लेकिन समझ तो आ जाती है ना यार लड़कियों लड़के को कि आपस में आ, 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 मैंने कई दफा देखा था इधर पार्क टावर्स में ओके okay. <laughs> वहां देखा उसके बाद फिर एक दोस्त के साथ मिल गई मैं कहा ये तो तो इन्होंने मुझे साफ कह दिया कि देखिए अफेयर नहीं चल सकता अच्छा अगर आप सीरियस हैं तो शादी हाँ ठीक है मैंने कहा चलो तो कोई फोन पे बातें नहीं हो रही वी, कोई डेटिंग नहीं, नहीं हो रही नहीं, कोई बात उससे पहले हम फोन पे बात जब लड़के हाँ, ने कह दिया कि हाँ, भाई ये होगा हां उसके कुछ दिन बाद इसको मिले जी वापस जाना था ओके okay. तो उसको कॉल लगा कि उसकी आंखों में ये ये एक्सप्रेशन था कि मतलब तो मैं जा रही हूँ ये तो एक्टर है मुझे बात समझ रही है अपनी कामों में बिजी हो जाएगा वो गई एक हफ्ते बाद के उसके दरवाजे पे दस्तक थी मेरी कर, कर, पहुंच गए है <laughs> वो रहती रहती थी वो वही में। रहती थी मैं लेने भी वहां गया वोगे, वोगे। और मैं निकाह करने मेरा, मेरा निका हुआ है। अच्छा पहला भी देखिए छोटे मोटे नॉक्स देखिए जिस लव ने शादी के लिए मजबूर कर दिया इसका मतलब यही पहला

उसकी वो उस स्टोरी लाइन पढ़ रही थी तो मुझे वो समझ आ गई थी कि उससे भी एक उन्होंने इंस्पिरेशन थी उस स्क्रिप्ट में और अगर देखें ये तो बहुत गलत हुआ बहुत बहुत गलत हुआ ये और ये तो ये बात थी अगर ये बात दुनिया में ना भी हुई होती तो वो स्क्रिप्ट मेरे पास आता करना था

मर्डर हुआ है का मर्डर हुआ है चार का तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है और आई थिंक इसमें जो आपने कैरेक्टर प्ले किया था तो जब आपको जो समझ आई थी कैरेक्टर उनके बारे में तो आपको क्या फीलिंग्स हुई थी आपको क्या समझ आया था कि वॉट इज़ उनके साथ क्या गुजरती है बिकॉज जब तक आप उसमें जाते नहीं हो तो आपको समझ नहीं आती रोल में वो तो मैंने कैरेक्टर कर लिया हाँ उसमें मुझे बेला अवार्ड भी मिल गया वो मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ एक कैरेक्टर मैं कर नहीं सका okay. पर मैंने पढ़ा तैयारी की वो इंटेंस था थोड़ा, okay. वो अभी काशिफ निसार साहब की एक मिस्टर एंड मिसेस शमीम आ रही है उनमें एक नुमान एजाज साहब के दोस्त का okay. रोल था जब वो पढ़ा ना मैंने वो बड़ा Okay. मैं कर नहीं सका ओके okay. तब मुझे पता चला कि ये किस किस मुसीबत किस किस हुँ. परेशानी में और मर्द क्या होता है हुँ. औरत क्या होती है हुँ. या ख्वाजा सरा क्या होता है ये तो इंसान है exactly. और और सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा कोई इनके पास नहीं होती हाँ। वो एक 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 तरफ उनको दिया जाता है 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 कम्युनिटी में एक उनकी बनाई है। लेकिन अल्लाह हाँ। का शुक्र हाँ। कि जब मैंने इंसान किया हाँ। तो मैं एक, आ, पे गया हाँ। मुझे वहाँ पे दो आ, मिले हाँ, ट्रांगेंडर्स, ट्रांगेंडर्स, हाँ। मिले जिन्होंने कहा जाता हूँ उसमें और तो मेरे मुझे उस दिन ये पता चला कि यार क्या मेरे किरदार इतना ज्यादा असर रखते हैं ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ड्रामे तो पाकिस्तानी ड्रामे और अगर बहुत ज्यादा और जादा अगर वो तरह, वो वाले पाकिस्तानी ड्रामे जिसमें हम बिला वजह चपेड़े नहीं मारते बिला वजह के yes, exactly. आ, आ रेप नहीं डालते मुझे भी कभी ना कभी एक अदा करना बच्चा है, Obviously. Hmm, मेरा yeah. Yeah. है. <laughs> मतलब जब इंतजार करूंगा आठ आठ नौ नौ महीने yeah. दस दस बारह बारह महीने तो मैं फिर एक वक्त आएगा कि मैं कहूँगा यार चलो इसको ठीक करके कर लेता हूँ घर भी चलाना हमेशा ah. वो तो है जिंदगी ah. का एक हिस्सा है आप जब भी कोई ऐसा ड्रामा ah, देखें जब भी कोई ऐसा ड्रामा देखे जिसमे आपको लगे की ये इसने ड्रामा क्यूँ किया तो समझ जाइएगा की करना पड़ गया मुझे समझ आती है नहीं आई थिंक हम सबको करना पड़ता है आ, हाँ, कुछ और कुछ चीजें हम अपनी शौक कभी के लिए करते हैं कभी कभी आता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली शौकली सो जो मेंटली चैलेंज्ड वाला आपने जो प्ले किया था उसमें भोले का रोल ऑब्वियसली इतना कोई ज्यादा पॉपुलर इतना ज्यादा पॉपुलर के हुआ और उसके अंदर जो कैरेक्टर में उसको आपने कहाँ से स्टडी किया था जान

तो वो रोल मैंने ऐसे किया था कि मैंने ये सोचा कि मैं ये पैदा हुआ मैं ऐसा ही पैदा हुआ था और मुझे माई मिली मुझे अवार्ड भी मिला आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपने आपके हाथ आपने कहा था वो पढ़ा है तुम्हारा अवार्ड तो जीत गए हो अगर मैं इसीलिए मिला था तो मुझे ये सिर्फ ये पता है इमरान ये सारे इतने सारे जो डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं इसमें से अभी तो आप आपके बहुत टाइम है काम करने का लेकिन अगर आप किसी तरफ जाना चाहेंगे किसी चैरिटेबल वर्क की तरफ़ या किसी एन की तरफ जो कि कोई काम करते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ आपको कौन सी हर्ट करती है जब आप देखते हैं पाकिस्तान में बिकॉज पाकिस्तान में ओबियसली सोशल मसले तो बहुत हैं राइट right? कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके कि आप ऊपर काम करना चाहेंगे या कोई एम्बेसडर बनना चाहेंगे उसका क्योंकि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अब इस तरफ आ रहे, आ रहे हैं कम है अभी भी कम है मैं कहती हूँ लेकिन आ रहे हैं तो so आप मुझे बताएँ आप किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहेंगे जहां कहीं इंसानियत सप्रेस हो रही है मगर इतना सारा इंसान कर नहीं सकता ना एक चीज पकड़नी पड़ती है आप अपना इलाका पकड़ ले हाँ ये भी सही है आप आप बीस घर पकड़ ले ठीक है उस घर में किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए उन घरों में से उन घरों में भी चेक कर लेंगे किसी कोई भूखा ना सोए ठीक है उन घरों में कोई बीमार है तो हुँ। लेकिन हुँ। पता ना चले कि आप कर रहे हैं ये भी ठीक है अनोनमस रहे मैं ये दुआ अल्लाह ताला से करता हूँ अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं पता ही ना उनको चाहे सिर्फ उनको पता हो अगर हो भी तो राइट राइट कि मैं इतना करूँ मैं तो मुझे बड़ा मजा आता है मुझे बड़ा मजा आता है कि मजा इस बात का नहीं आता कि सर पे रख के देने का नहीं, या ये तस्वीर वो 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 एक वो, नहीं, 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 इंसान इंसान का मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपना उसका है ना वो जो मेरी भेजा है उसका भेज दिया वो ऊपर कागजों में हो गया कि ये इतने हजार या इतने लाख उसके घर में मसला है तुम्हारे घर के करीब रहता है ये मैंने तुम्हारे पास भेजे देने तो मेरे से लकी कौन होगा और क्योंकि इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ताला अपनी अमानत मेरे पास भेज रहा है किसी के लिए तो इसका मतलब अल्लाह मुझे पसंद करता है अच्छा अगर मुझे आपको अपने बारे में कोई भी चीज़ चेंज करनी हुई तो आप क्या करेंगे करेंगे कुछ मैं अपने बारे में क्या चेंज करूंगा अगर इंसान हर एक होता है ना एक गोल होता है मेरा भी गोल है कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है और या मुझे अपने बारे में मुझे अपनी फिजिकली या मेंटली जो भी होता है चेंज करना है

नहीं, नहीं नहीं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आएगा आएगा इंसान में चेंज आता है खुद पर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ दुआ भी कीजिएगा नहीं नहीं दुआ तो बहुत जरूरी है अच्छा मुझे और बताएं अब क्या है? आगे क्या अब फिल्म आ रही है मेरी वो तो मुझे पता है इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म फिल्म और जो मेरा रमजान प्ले आ रहा है मेरे मैं बहुत थका हूँ अभी सोना है ना नहीं फिर

सिर्फ हुक्म किया करें आप कहा ना करें आप नहीं नहीं, नहीं आ, आपको पता है आई रियली लाइक यू आपको पता है मुझे, मुझे है, पता मुझे है पता है मेरा आपका ताल्लुक बड़ा एक हाँ। जो लोगों को नहीं शायद पता कम है हम कम मिलते हैं हम कम बात करते हाँ। हैं लेकिन वो बहुत जबरदस्त होता है ये बॉन्डिंग है ओके चलो चलो आ जाओ It's a very uh, small basket, by the way. Yeah, I love this. this it's nothing. What? No, it's a small one from our side. What is this? Why? No, no, why not? It's nothing. Korwa Farms. Huh? Khorba farms. Which is it? Korwa Farms? Korwa. Cow ghee. What is it uh, called? Koro? Khorwa. Korva. Khorwa. Khorwa. Yeah. Khorwa. Khorwa. Khorwa Farms. It's, it's natural ghee. अरे तो तरफ से एक बास्केट है आपके लिए नथिंग तो अब रमजान आ रहा है ना मजे मजे के खाने तो खाने तल वल <laughs> तो तो मुझे आप एक बात बताए जी से बेहतर हाँ। चीज और क्या इज न मेरी अम्मी के लिए लेके आई हूँ अम्मी मुझे कहती है थैंक थे यू बिकॉज लोगों को पता नहीं है लोगों को पता नहीं है कि सेहत के लिए कितना है हाँ. कितना आ, natural, है कितना जबरदस्त चीज अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए और टेस्ट क्या इम्तिहान लिया सबसे बड़ा हाँ. मेरा खाना कम करवा दिया अच्छा हाँ मैं आपसे पूछने वाली थी सबसे कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ भी बहुत ज्यादा लॉट लॉट बट कुछ तो का होगा ना क्या बिरयानी निहारी क्या खाते है मुझे मौका मिला अभी तीन हफ्ते खाने का क्यूँकी मेरा जो एक प्ले जियो पे चल रहा है उसके लिए मैंने अपना दस के वजन कम किया अच्छा

भाग भाग नहीं, सकते, इसका मतलब नहीं भाग सकता हूं मैं हाँ। लेकिन मैं एहतियात करता हूं। मैं मैं लेकिन करता डर जाता है इंसान भी क्योंकि दर मेरी दर में टांग में जो था वो एक वो रौड, अंदर रौड भी गया। मैं <laughs> मुझे एक दफा अंदर उन्होंने कहा टूट गया तो आप लेट जाएंगे लेटूंगा तो ये क्या करेंगे ठीक हो जाएगा उन्होंने कहा नहीं सर ये आपको फिर आठ महीने लगेंगे अच्छा आठ महीने फिर मैं वाह तो मैं नजर शजर तो तोड़ते होंगे ना घर पे सारे हाँ हाँ लेकिन लेकिन दैट्स हार्ड आई अंडरस्टैंड जिंदगी है यही जिंदगी हाँ. है uh, परेशानी से परेशान नहीं होते आई एग्री आई एग्री उसका हल सोचना शुरू कर देते हैं एग्जैक्टली सॉल्यूशंस रादर देन कि जिसमें गेटिंग स्टक आए हाय हाय हाँ, और नाइंटी हाँ. परसेंट जब आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि नाइंटी नाइन जो मैं आजकल देखता हूँ इस बात से जरूर जुड़ी, जुड़ी उसने ये कह दिया। कह दिया, दे यार, आपको नहीं है ना इस चीज़ का अब 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 मैं बहुत, अब नहीं पहले बहुत था, of course. अब मैं बहुत, बहुत पहले था, कहता यार, मुझे पता है, हाँ। पता है, है, ऊपर तो, अगर झूठ बोल रहा है तो वैसे ही पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद तो छोड़ो यार ठीक है ना जिसको अंडर डॉग कहते हैं मुझसे बेहतर इस लफ्स को कौन जानता है मैं भी जानती हूँ वो <laughs> बहुत अच्छी चीज़ होती है ओके okay? बहुत अच्छी चीज़ होती है बिकॉज आपको उसके लिए फिर फाइट करके, करके आपको स्ट्रगल करके आपको पहुंचना जब आप ऑलरेडी इधर होते हो ना तो कुछ नहीं होता हाँ आपने ह्यूमिलिटी की भी बात की थी एक इंटरव्यू के अंदर मैंने पढ़ा था उसके बारे में आपने कहा था कंपलसरी होनी चाहिए आ, कि हमारे लोगों में नहीं है बट इस शोबे में जिसमें आप हैं इसमें

Of big heart and to your son Rohan. Rohan? Roham Roham. And to your wife Kiran and to all your dreams and everything out that you want to get and we pray for you and inshallah you will get there Inshallah. Okay. Thank you. Thank, <laughs> Thank you, <very laughs> you. Take care. Thank you. Love is.